हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। रोडवेज कर्मचारियों ने मंगलवार को उदय मंदिर थानाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर रायकाबाग रोडवेज बस स्टैंड के पास से संचालित हो रही अवैध निजी बसों के संचालन पर रोक लगाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि अदालत ने निजी बसों व लोक परिवहन की बसों के लिए अलग से आदेश जारी किया है, जिसमें उनका संचालन किसी भी रोडवेज बस स्टैंड से करीब 2 से 5 किलोमीटर की दूरी से किया जाएगा। इस आदेश के बाद भी निजी बस व लोक परिवहन बसों के संचालक रोडवेज बस स्टैंड के पास से अपनी वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिससे रोडवेज को घाटा उठाना पड़ रहा है। उनको मना करने पर वह मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। रायकाबाग रोडवेज बस स्टैंड के पास पावटा चौराहा सब्जी मंडी से अधिक संख्या में निजी बसों का संचालन हो रहा है। ज्ञापन में इन निजी बसों से संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई। इस दौरान बुद्धाराम डूडी, जसवंत सिंह, शांति स्वरूप, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आदि रोडवेज कर्मचारी नेता उपस्थित थे। उन्होंने अपनी मांग को लेकर थाने में नारेबाजी भी की। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।